भारत हमेशा से ही मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है। विश्व भर में भारत के मसालों को एक्सपोर्ट किया जाता है। इन्हीं मसालों में से एक खास गरम मसाला है दालचीनी, जिसे अंग्रेजी में सिनेमन कहते हैं। दालचीनी अपने खास मीठे स्वाद और महक के लिए जानी जाती है। तो चलिए जानते हैं कैसे तैयार होती है दालचीनी। दोस्तों, दालचीनी को जिस पेड़ से प्राप्त किया जाता है उसे वैसे तो हम दालचीनी का पेड़ ही कहते हैं, लेकिन इस पेड़ का नाम सिनेमन वेरम है। ये मुख्यतः दक्षिण भारत और श्रीलंका में पाए जाते हैं। ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। सबसे पहले पेड़ों की कटाई की जाती है, जो काम यहाँ के लोकल किसान ही करते हैं। इन पेड़ों को 12 से 15 फीट का होने के लिए 2 साल का समय लग जाता है, तभी इसकी कटाई की जाती है। तब तक ये किसान दालचीनी के छोटे छोटे पौधों को उगाते रहते हैं। दालचीनी के टहनियों की कटाई बेहद ही तेज धार वाले हथियार से करते हैं और इनकी लंबी लंबी डंठल बना लेते हैं और इसे इस तरह कसकर गट्ठर जैसा बांध लेते हैं। उसके बाद इसे ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है और यहाँ सबसे पहले इसे पानी से साफ कर लेते हैं। यहाँ फैक्ट्रियों में ये स्किलफुल वर्कर इन टहनियों से गांठ को हटा देते हैं और अब ये वर्कर एक धारदार हथियार से बहुत ही सावधानी से इन टहनियों के ऊपर से छाल को अलग करते हैं और ये छाल ही दालचीनी होती है। तो अब इन्होंने सारे टहनियों में से छाल को अलग कर लिया है। इन लंबे लंबे छालों के अंदर छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़ों को डाल देते हैं और फिर सूखने के लिए इन्हें छत पर बने हुए इन रस्सियों के सहारे रख देते हैं ताकि ये अच्छे तरह से सूख जाए। आपको बता दें कि दालचीनी को धूप में नहीं सुखाया जाता, उन्हें छांव में ही सुखाया जाता है। इससे दालचीनी बेस्ट क्वालिटी की बनती है। तो अब ये सूख चुके हैं। लोग साबुत दालचीनी तथा दालचीनी पाउडर दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साबुत दालचीनी की मांग काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें फैक्ट्रियों में इनके टुकड़े कर इसे पैक कर देते हैं। और यहाँ पर दालचीनी पाउडर बनने का काम चल रहा है। अब इन पाउडरों को इन छोटे छोटे पैकेट्स में पैक कर देते हैं। तो इस तरह से तैयार हो जाती है दालचीनी। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आपके यहाँ दालचीनी का भाव क्या है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे को जरूर बजा दें। केसर कैसे बनती है ये जानने के लिए इस वीडियो को देख लें।